सीआईएसएफ के सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल पदम वर्मा के घर पिस्तौल की नोक पर लूटने की कोशिश की गई। रसोई की खिड़की तोड़कर चार हथियारबंद लुटेरों की घर में घुसने की बात सामने आई। हेड कांस्टेबल की पत्नी के चिल्लाने पर गोली से उड़ाने की धमकी भी दी थी। पति के जगने पर शोर पुकार के बाद और अन्य रहवासियों के आने के बाद लुटेरे भाग निकले। पुलिस जांच में जुट गई है। बड़वा के कवर कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। 3 बजे जब आवाज आई, मेरी मिसेज जोर जोर से चिल्ला रही थी खिड़की में, तो मैं भी उठा। उठने के बाद देखा खिड़की तोड़ दिया है और उसके हाथ में पिस्टल थी। पिस्टल मेरे को दिखा के बोलता है चिल्लाओ मत नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। फिर मैं जोर से चिल्लाया तो आस पड़ोस के सभी आदमी उठे और उनको देख के वो भागा। फिर दूसरी खिड़की की तरफ गया, वो उधर से भी मैं जोर से चिल्लाया तो उधर से भी उसने पिस्टल टांग के बोले गोली मार दूंगा चिल्लाओ मत, और वो भागते चला गया इधर रेलवे पटरी की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।